नमस्कार। मध्य प्रदेश में सातवें चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद में अब हम बात करते हैं कुछ एग्जिट पोल्स को लेकर, जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं। और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के खरगोन की। तो खरगोन में जब मोदी जी की सभा हुई, उसके बाद से 300 सीट का नारा जो दिया, उसके बाद ही एग्जिट पोल ने अपने पूरे नतीजे इसी की सराउंडिंग कर दिए। इस बात को लेकर हम बात करें तो 2014 में जो मोदी की लहर थी, अब क्या उसका असर उतना ही है, बड़ा है या कम हुआ है, ये जानने के लिए हमारे साथ भाजपा के जिला प्रवक्ता प्रकाश भावसार हैं। और साथ में बैठे हैं नमस्ते। हमारे साथ कांग्रेस के जिला प्रवक्ता यासिर पठान, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ में है नीरज जोशी जी। इन्हीं से चर्चा करेंगे कि वास्तव में अब क्या मोदी जी की लहर वैसे ही चल रही है या कम हुई है, ज़्यादा हुई है। हम बात करें प्रकाश भावसार जी आपसे कि क्या मानते हैं आप, 2014 में जो मोदी जी की लहर थी, उस सब दौरान जो सरकार बनी, क्या लगता अभी उसका असर बरकरार है? और अब जो 2019 की सरकार बनेगी, क्या वो भी उसी की प्रेरणा बनेगी या भाजपा या संगठन का रूप उसमें नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो मोदी जी की लहर का मामला है, 2014 का चुनाव हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़े थे। हमारा उद्देश्य था कि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करें, और उन्होंने सफलतापूर्वक 5 वर्ष अपने प्रधानमंत्री काल के निकाले। अब दूसरा, जब 2019 का चुनाव आया तो हमारे सामने लक्ष्य था कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किए हैं, जो या तो अधूरे हैं या जो नए शुरू करने की हमारी पार्टी की इच्छा है, तो इस हेतु हम उन्हें पुनः लेकर आए थे। और निश्चित रूप से मोदी जी का कार्यकाल जनता को काफ़ी पसंद आया। कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने मोदी जी की छवि को और निखारा, और निश्चित रूप से मोदी जी की जो लहर 2014 में थी, उससे बढ़ करके हमने 2019 में देखी। लोग स्व प्रेरणा से मतदान के लिए निकले, यहाँ तक कि दूर दराज क्षेत्रों से लोग केवल इसलिए मतदान करने के लिए आए कि हमें राष्ट्रहित में मतदान करना है, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। निश्चित रूप से हमारी सीटें भी बढ़ेगी, और मोदी जी के नेतृत्व में नया जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें भी चमकते हुए सितारे हमारे आएंगे, जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। कैसे देखती है कांग्रेस इसे? जैसे कि अभी इन्होंने बात करी कि सफलतापूर्वक 5 वर्ष, तो अगर 5 वर्ष सफलतापूर्वक थे तो उन सफलताओं पे वोट मांगना था भाजपा ने। अगर भाजपा की नज़र के अंदर नोटबंदी सफलता का काम था तो अपने मैनिफेस्टो के अंदर नोटबंदी को लेकर आना था भाजपा ने, नोटबंदी के नाम पर वोट मांगना था। जीएसटी का जो है कि इन्होंने थोप दिया, गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया गरीब आदमी के, गरीब व्यापारी को। अगर आपकी नज़र के अंदर ये सफलतापूर्वक काम था, आपने जीएसटी के नाम पर वोट मांगना था, आपने जो है काला धन का नारा दिया था कि 100 दिन में काला धन अगर नहीं लेकर आए तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए चौराहे के ऊपर। आपने देश की जनता को बरगलाया, सिर्फ झूठे सपने लोक लुभाव ने सपने दिखाए। आपने काला धन के नाम पे पिछली बार वोट मांगा था, अब आप काला धन के नाम पर जवाब दीजिए, आप काला धन क्यों नहीं आया अभी तक? आपने 2 करोड़ रोजगार देने का बोला था, युवाओं को जो है शिक्षित करके 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आज युवा ढूंढ रहे हैं कि हमारे रोजगार कहाँ है, व्यापारी ढूंढ रहा है कि हमारी कमाई कहाँ है। अगर आपने रोजगार देने का वादा करा था और अगर आपका काम कार्यकाल सफलतापूर्वक रहा तो उसके ऊपर आपने वोट मांगना थे। आपके मैनिफेस्टो के पिछले जो आपने मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र था आपका, उसके आधार पर आपने अगर कार्य किए होते तो उन कार्यों के आधार पर आपने, भाजपा सिर्फ समाज को और देश को बांटने के नाम पर राजनीति कर रही है। बड़ा आरोप लग रहा है समाज को बांटने की बात हो रही है। जैसे जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या लगता है 2014 2019 के मद्देनजर क्या भाजपा में मोदी जी की लहर है या राहुल गांधी ने जिस तरह से न्याय की बात की उसका कहीं ना कहीं परिणाम नजर आएगा? और सरकार पूरी तरीके से हम देखें तो किस आधार पर जनता मतदान करने जा रही है, ये कर चुकी है, और अब जो परिणाम आएगा उस पर असर देखें हम इसका। फरीजी, लोकसभा चुनाव के हम अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुए उनकी बात करें कभी आप, तो जो आपका पहला प्रश्न था उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो मोदी लहर 2014 में थी वैसी लहर 2019 में मोदी जी की लहर नहीं रही। चुनाव जैसा जैसा, चूंकि 7 चरणों में चुनाव था, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे धीरे धीरे मोदी जी की लहर बढ़ती गई। शुरुआत में बिल्कुल मोदी जी की लहर नहीं थी, ये मान के चलें कि कांग्रेस बहुत ही फ्रंट फुट पे आकर इनका जवाब दे रही थी, लग रहा था कि बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा दोनों में, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कांग्रेस हाशिए पे चली गई। वरना क्या कारण था कि मोदी जी ने जो 300 प्लस का नारा दिया वो सबसे लास्ट राउंड में आके दिया? इसके पहले तक कहीं भी किसी भी भाजपा के कोई भी प्रवक्ता ने या किसी भी बड़े लीडर ने 300 प्लस की बात नहीं की।
इससे सिद्ध होता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते गए, भाजपा में या तो कहने का आत्मविश्वास आता गया या कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पे चली जाती रही। हाँ, ये एक बात जरूर थी, मैं यासिर भाई के इससे सहमत रहा हूँ कि भाजपा, मुझे ऐसा लगता है कि यदि एयर स्ट्राइक वाला मामला नहीं होता तो शायद भाजपा के पास वोट मांगने के लिए किस वे पे जाते, मुझे ये भी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि इनके जो जो भी थे, हो सकता है काम बड़े अच्छे रहे हों, लेकिन बहुत ठोस काम नहीं हुए जिससे बिल्कुल ही पूरी ताकत से जनता के पास जा सके और अपना वोट मांग सके। खरगोन की सभा में हम बात कर रहे थे, मोदी जी ने जैसे ही 300 पार का नारा दिया, पूरा एग्जिट पोल चला उसी के आसपास, लेकिन क्या सब ये प्रायोजित लगता है जिस तरह से आरोप लग रहे हैं प्रकाश जी? देखिए, एग्जिट पोल एक सर्वे के आधार पर होते हैं, और न तो हम एग्जिट पोल से ज़्यादा उत्साहित है, क्यों? क्योंकि हमने हमारे काम के आधार पर वोट मांगा, और मोदी जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, गरीबों को आवास दिया, घर घर शौचालय का निर्माण हुआ, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए, ऐसी तमाम योजनाएं जो गरीबों के कल्याण की थी वो लागू की, और आतंकवाद पर प्रहार किया। आज जो ये चुनाव लड़ा गया वो दो मुद्दों पर लड़ा गया, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपने एजेंडे के तहत चल रही थी, और विपक्ष का जो था मुद्दा वो परिवारवाद को लेकर था। आज देखो, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था वो सेना को का मनोबल तोड़ने वाला था, लोगों में कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर भी आक्रोश था, और निश्चित रूप से ये कांग्रेस के खिलाफ गया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कि हम जो एयर स्ट्राइक हुई, निश्चित रूप से सेना का जो मनोबल दिखाने का समय होता है वो विपरीत काल में होता है, और हमारी सरकार ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे करके देश की जनता को ये विश्वास दिलाया कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, अन्यथा पूर्व की हम सरकारें भी देख चुके हैं, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पाकिस्तान ने देहाती महिला कहा था, क्योंकि उन्होंने वैसी इमेज बना कर रखी थी, कभी भी जब भी कोई ऐसा अवसर आया जब भारत को अपनी ताकत दिखाना थी वो दिखाई नहीं, और मोदी जी ने ऐसे अवसरों पर राष्ट्र का पराक्रम दिखाया, सेना का पराक्रम दिखाया, तो ये सब राष्ट्र हित में रहा, और निश्चित रूप से इसका सबका हमको जनता के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है, और हम 300 पार का जो लक्ष्य था वो हमारा शुरू से था, चूँकि हम पूर्व के चुनाव में 284 सीट के साथ सेल्फ, जो हमारी स्वयं का हमारा जो जनाधार था वो हमने दिखाया था, इस बार हमने उसको बढ़ाते हुए 300 के पार हमारा लक्ष्य था, और मोदी जी ने जब आखिरी में खरगोन की सभा में ये कहा कि अब की बार 300 पार, तो ये हमारा जो सीट के अनुसार जितनी भी सीटें थी देश की, जहां पर हमको लगता था कि हम ये सीट निकाल कर लाएंगे, और आखिरी चरण तक हमको लगा कि हाँ ये हम सारी सीटें ला रहे हैं, तब उन्होंने जाकर के 300 का आंकड़ा दिया। यासिर जी से बात करना चाहूँगा मैं, यहाँ पे हम देखे कि 300 पार का नारा दिया, लेकिन इसके पहले राहुल जी की सभा हम देखे तो जनसंख्या जन सैलाब की बात करें तो काफ़ी बड़ा अंतर रहा, कैसे लगता है कांग्रेस क्या इसमें क्या देखती है अपने किस तरह का वर्चस्व लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम भाड़े के लोग लेकर नहीं आते, हम 200 रुपये 300 रुपये, कई सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज चले थे, अपन उस पर नहीं आते। जैसे कि हमारे परम मित्र ने एक बात करी कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ रही है, देश हित के अंदर चुनाव लड़ रही है, देश हित के नाम पर चुनाव लड़ रही, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ रही है। मैं आपसे माफ़ी भी नहीं मांगूंगा और आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करिए, आपको बुरा लगेगा क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ सत्य। आप मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को ये बोलते हुए कि हम देश हित पर और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए जासूस के रूप में कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं, ये कौन सा राष्ट्रवाद है आपका? सत्ता की मलाई चखने के लिए आप जो है कि अलगाववादी और आतंकवादियों का खुला समर्थन करने वाली पीडीपी के साथ में मिलकर कश्मीर के अंदर आप सरकार बनाते हैं, ये कौन सा राष्ट्रवाद है आपका? उरी का हमला होता है तब आप कौन सा मुंह तोड़ जवाब देते हो? आपने एक के बदले 10 सर लाने का बोला था, आपका कौन सा राष्ट्रवाद है? पठानकोट का जो अंदर हमारी सेना के कैंप के अंदर आकर आतंकी हमला कर चले जाते हैं, आप पाकिस्तान आईएसआई एजेंट को बुला के आके आप हमारी जांच करिए, ये कौन सा आपका राष्ट्रवाद है? अभी कुछ दिन पहले पुलवामा के अंदर जो है कि 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, इतनी बड़ी मात्रा के अंदर तादाद के अंदर इतनी बड़ी मात्रा के अंदर आरडीएक्स अपने देश की जो है सीमा को लांघ कर आपके यहाँ पर आ जाता है, कोई चेकिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, 44 44 जो है कि 44 के आसपास सीआरपीएफ के जवान शहीद होते, वो कौन सा राष्ट्रवाद है आपका?
बिन बुलाए आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करते हैं, आप जवाब कौन सा देकर, आप तो जाके बिरयानी खा के आ गए, अम्मी जान के लिए गिफ्ट ले गए नवाज शरीफ की, कौन सा राष्ट्रवाद है, बेवकूफ बना रहे हैं युवाओं का। मोदी सरकार और भाजपा के लोग अगर अपना काम करते तो उन कामों के ऊपर वोट मांगते, ये पहले धर्म के नाम पर वोट मांगा इन्होंने, अब राष्ट्रवाद के नाम पर वोट हो रहे, चलो हम राष्ट्रवाद के नाम की, अगर आपने राष्ट्र के लिए किया क्या ये बताइए आप, एक एयर स्ट्राइक कांग्रेस के समय में 3 एयर स्ट्राइक हुई है, हम काम करने पर भरोसा करते हैं, हम जो है कि प्रोपोगंडा करने के ऊपर भरोसा नहीं करते। लगत मैंने आपको सारी बातें की नहीं, अगर ये बात मैं झूठ बोल रहा हूँ आप साबित करिए, क्या उरी का हमला नहीं हुआ, क्या पठानकोट का हमला नहीं हुआ, क्या एक के बदले सर, एक के बदले 10 सर लाने की आपने बात बोली थी, आप क्यों नहीं लेकर आए, क्या आप बिरयानी खाने नहीं गए थे, क्या क्या आप अम्मी जान के लिए गिफ्ट नहीं लेकर गए थे, क्या आप बड़ा बड़ा सवाल खड़ा कर दिया प्रकाश जी आपके लिए। देखिए ये कांग्रेस का जो सवाल है उसका जवाब ये है कि ये जो आतंकवाद का जनक कौन है, आज जब अब देश आजाद हुआ आपने आतंकवाद को खत्म, एक मिनट आपने, मैं आपकी बात मान लेता हूं, तब मैं चुप रहा जी, बोलिए। जब देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया, और इसमें जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी की भूमिका प्रमुख रूप से सामने आई। इन्होंने जब धर्म के आधार पर बंटवारा किया तो धार्मिक आधार पर राष्ट्र का भी निर्माण होना था, लेकिन भारत आज भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और इस धर्मनिरपेक्ष राज्यों को हम स्वीकार करते हैं। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा, कश्मीर की समस्या, धर्म निरपेक्षता की कश्मीर की समस्या, जो लोग कट्टर जो है, जो कट्टर थे जिनको अपने धर्म के बात करने के उनको लात मार के भगा दिया, नेहरू के समय से कांग्रेस ने अपने लात मार कर भगा दिया गया उन लोगों को, हमें नहीं चाहिए, हमें कट्टरदानी चाहिए। हिंदुस्तान एक खुशनुमा जो है बाग है, उसके अंदर बहुत सारे फूल खिलते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रह सकते हैं, कांग्रेस की देन है, आप पिछले नेहरू की देन है, पिछले 2014 के अंदर आपने धारा 370 हटाने की बात करी थी, आपने क्यों नहीं हटाई उस कश्मीर की समस्या को हल करने का जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है। आज कश्मीर में यह स्थिति है कि पत्थरबाजी पर लगाम कस चुकी है आपकी सरकार ने, पत्थरबाजों को माफी दी है, पहला चुनाव है जब सरकार ने पत्थरबाजों को माफी दी है, आपकी सरकार ने पत्थरबाजों को माफी क्यों दी है, आपकी बात जिस तरह से बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात की जाती है, धर्म के नाम पर चुनाव में वोट मांगे जाते हैं, लेकिन हम देखे तो आम मतदाता क्या चाहता है, नीरज जी हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं वही उसी मुद्दे पे आ रहा था, एक्चुअल में आम मतदाता सिर्फ अपनी जिसको अपन वो जो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीजों में ही उलझा रहता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा अपने विचार रखूं कि इस बार भी जैसे पिछले चुनाव में मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए आएंगे, उसके जस्ट बाद अभी जो विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो 2 लाख का ऋण माफी की बात आ गई, उसके जस्ट बाद में फिर कांग्रेस की एक बात आ गई कि हम 72,000 रुपये देंगे। मेरे ख्याल से ये जो तीनों जो घोषणाएं होती है ये हमेशा ये होती है कि हम पैसा सीधे सीधे पब्लिक को दे देंगे और वहां से हमको जीत नसीब हो जाएगी, जीत हमको हासिल हो जाएगी, पर मैं चाहता हूं कि तीनों घोषणाओं से भी पब्लिक बहुत खफा हो गई। पब्लिक ये नहीं चाहती कि हमको सीधे सीधा पैसा मिल जाए, मैं चाहता हूं कि आम मतदाता, आम नागरिक ये चाहता है कि उसको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाए, उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए, उसको अच्छा रोजगार मिल जाए और उसका देश खुशहाल रहे। इन बातों पे ही लड़ा जाना चाहिए, और हमेशा राष्ट्रवाद कोई भी पार्टी हो, मेरे ख्याल से राष्ट्रवाद सबसे प्रमुख ही होता है, सभी पार्टियों के लिए राष्ट्रवाद प्रमुख होता है, हर आदमी नागरिक के लिए भी राष्ट्रवाद प्रमुख होता है। मोदी जी ने जो किया एयर स्ट्राइक की, उसका सभी को मेरे ख्याल से सभी दलों ने भी समर्थन किया, सेना का अपना पराक्रम है, उसने अपना पराक्रम दिखाया भी था, और जैसे कि आसिफ भाई बता रहे थे या बीच में कांग्रेस के भी नेशनल लेवल पर अपने स्टेटमेंट्स आए थे कि एयर स्ट्राइक या स्ट्राइक इधर से भी हुई थी, कांग्रेस तरफ से भी थी, लेकिन कभी भी उनको मीडिया में नहीं, मीडिया में नहीं लाया गया। तो देश में जब जब भी आ जाती है सपना करता है, लेकिन सेना के प्रमुखों ने, आप तो हम तो ये बोल रहे हैं, आप साबित किया है कि ऐसी कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई है, आप जो सेना के रिटायर लोग, आप गलत बोल रहे हैं, सेना से जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि 300 साल लेकर आए, हम तो वो 300 लोग कहां है, केवल ये जनता को जरूरत पड़ी है इसी का बरगला, क्या जरूरत पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जज आकर आज इनकी गलती की वजह से ऊपर आना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी कि सभी सेना प्रमुख आकर जो है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट देते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप सेना के कार्य को जो अपना कार्य बताते हैं, झूठ का पुलिंदा था, आपने किया तो आपका फर्ज था,
ये झूठ था जो आखिर में साबित हो गया, कोई साबित और नहीं हुआ। जिन लोगों का हस्ताक्षर लेकर कांग्रेस गई तो सभी ने मना कर दिया कि इसमें हमारा हस्ताक्षर नहीं है। मतलब ऐसा आप एक के बदले 10 साल लेकर आए, क्या आपने 370 हटाई? आपने धारा 370 हटाई स्ट्राइक के माध्यम से? बालाकोट में जो हमला किया हमारी भारत की वायुसेना ने, जो हमला किया बालाकोट का, उसका आज पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। और उसके बाद इस बालाकोट के हमले के बाद हमने विंग कमांडर अभिनंदन को सकुशल वापसी की है। कांग्रेस की संधि थी जिसके अनुसार विंग कमांडर आ गए। अगर भी जमाने मुझे जनाते तो कुलभूषण यादव क्यों नहीं आया अभी तक? तो ये कांग्रेस की क्यों नहीं आया अभी तक? कांग्रेस की सरकार में दम नहीं था, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए हमने, आतंकवादियों के दो टुकड़े कर दिए हमने, है आपकी सरकार में दम करके बताइए आप, दो टुकड़े हमने किए, दो आप तो हम लेकर आए, किसी आप बात कर रहे हैं, 1962 की जंग हमने जीती। कांग्रेस सुनिए सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ कांग्रेस की नीति रही थी। भारत के टुकड़े करवाने का श्रेय ये है सिर्फ तो पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो नरेंद्र मोदी को है, नरेंद्र मोदी और भाजपा को है। आप ये इसका श्रेय किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे? पाकिस्तान के गठन का जो श्रेय किसको देंगे आप? महात्मा गांधी को देंगे? जवाहरलाल नेहरू को? भारत माता के टुकड़े करवाने का जो महापाप कांग्रेस ने किया है वो आप देश का बच्चा बच्चा जान चुका है। और जो देश को आजादी मिली है उसमें खड़क मिला, ढाल से नहीं मिली है, उसी मुद्दे पर आएंगे क्या? 2014 में जो मोदी जी की लहर थी वो आज भी बरकरार है, कम हुई है, या फिर उसी का फिर से परिणाम 2019 में नजर आएगा? कांग्रेस इसे किस रूप में देखते हैं? अब हम ब्रेक के बाद बात करते हैं इसके लिए। फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है। हम बात करेंगे तो फिर वही 2014 मोदी लहर कम या ज़्यादा को लेकर, और हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं छोटी में, उन्हीं से फिर से बात करना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर हमने जो बात की अभी, हालांकि काफ़ी गहमा गहमे का माहौल भी हो गया, लेकिन हम देखें तो खरगोन में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की बात करें तो प्रधानमंत्री आए और करीब 2.5 घंटे का वक्त व्यतीत किया। प्रसाद भावसा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह रही कि देश का प्रधानमंत्री एक खरगोन जैसे शहर में 2.5 घंटे समय व्यतीत कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में खरगोन में जो सभा हुई वो अंतिम सभा थी, और मोदी जी का जो हमारे बीच इतना समय रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश का एक प्रधानमंत्री जिसका एक एक सेकंड कीमती है वो खरगोन की जनता के बीच इतना समय दे रहा है। उनकी सभा भी निश्चित तौर पर 1 घंटे के आसपास की रही। उसके बाद जो टीवी चैनल्स के पत्रकारों को इंटरव्यू के लिए उन्होंने समय दे रखा था वो भी हमारे सभा का जो मंच था उस पर ही उनका इंटरव्यू हुआ। उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी भेंट की, जिसका मुझे भी सौभाग्य मिला। तो मोदी जी अब क्या है कि जन जन के नेता हैं और उनकी लोकप्रियता इतनी है कि उनको देखने के लिए तो लाखों की संख्या में जनता आई थी। चैनल के माध्यम से भी, उनके इंटरव्यू के माध्यम से भी देश की संपूर्ण जनता ने उनको सुना। मोदी जी एक करिश्माई नेता है और आज उनकी एक झलक पाने के लिए जिस प्रकार लोग सौ प्रेरणा से आए, जैसे मेरे मित्र ने कहा था कि कांग्रेस वाले भाड़े से नहीं लाते हैं, जबकि मैं खुद ही इस मामले में एक शिकायत कर चुका हूं कि कांग्रेस के रैली में किस तरह पैसे बांट करके लोगों को लाया गया था और कांग्रेस के लोग ही आपस में लड़ पड़े थे। और जो हमारी मोदी जी की सभा हुई इसमें सौ प्रेरणा से लोग, यहाँ तक कि खरगोन के ऑटो रिक्शा यूनियन ने फ्री में ऑटो चलवाए। क्यों? क्योंकि मोदी जी को लोग पसंद करते हैं और लोग मोदी जी की सभा में पहुंचे, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए यहाँ के ऑटो चालक संघ ने भी अपना समर्थन दिया। ये एक लोकप्रियता होती है, एक जननायक की लोकप्रियता होती है। जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं कि मैं 125 करोड़ जनता का प्रधान सेवक हूँ, तो प्रधान सेवक को देखने सुनने के लिए लोग अपनी स्व प्रेरणा से आए थे। और मोदी जी ने जो 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया, इससे यहाँ की जनता भी अभिभूत हो गई और मंच के आसपास तब तक डटी रही जब तक मोदी जी यहाँ से रवाना नहीं हो गए।
तो निश्चित तौर पर इसका हमें फायदा भी मिला है, और ये जो लोकसभा का चुनाव है खरगोन की सीट, हम बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, और निसंदेह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी इस क्षेत्र का विकास होगा, और विकास के लिए भी यहाँ की जनता ने वोट दिया है, हम उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। कांग्रेस कैसे देखती है इसे, हम बात करें 2.5 घंटा जो यहाँ पे व्यतीत किया, लेकिन उसमें मूल रूप से ये देखने में आ रहा है कि जो साध्वी प्रज्ञा का एक बयान उस दौरान चर्चा का विषय बन गया था, क्या उसके मद्देनजर एक इंटरव्यू कॉल किया गया? देखिए, नरेंद्र मोदी की आपने बात करी कि 2.5 घंटे यहाँ रहे, तो चूंकि 2.5 घंटे इसलिए रहे कि अब वो फ्री होने वाले हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, अब वो बिल्कुल जाने वाले हैं, इसलिए ये उनकी आखिरी सभा थी, अब इसके बाद उनकी कोई सभा नहीं होगी। अब रही बात कि आपने बोला साध्वी प्रज्ञा साहब की, तो ये देश हित की और राष्ट्रवाद की बात करने वाले, इनकी विचारधारा आपको उस बयान से पता चल जाएगी जिसने जो है कि गोडसे को राष्ट्रवादी बताया था, देशभक्त बताया था। इनकी राष्ट्रवादी की जो विचारधारा है, ये इनका प्रोपोगंडा है, इनकी कोई विचारधारा नहीं। रही बात आपने मोदी जी का सवाल करा था कि मोदी जी 2.5 घंटे, अगर मोदी जी चलो मान लेते हैं 2.5 घंटे यहाँ रहे, क्या मोदी जी ने अपने जो कार्य किए पिछले कार्यकाल के अंदर वो बताया क्या? उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। क्या इनके लिए योजनाएं क्या होगी ये बताया क्या? इसके लिए कोई चर्चा नहीं की। ये सिर्फ झूठ का जाल फैलाने के लिए आए थे यहाँ पर, लोगों को लुभावने भाषण देने के लिए, लोगों को जो है कि ख्याली पुलाव बनाने के लिए आए थे। देखिए, आम जनता के हित की मोदी जी का भाषण यदि इन्होंने सुना होता तो मैं निश्चित तौर पर इन्हें बधाई देता हूं कि आपने सुना। हमने बिल्कुल सुना, हमने बिल्कुल सुना। मोदी जी हमारे देश की ज्वलंत समस्या है, हमारे कान पक चुके हैं। 50 वर्षों से किसी भी सरकार ने कार्य नहीं किया। पहले के 5 वर्ष मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को समर्पित किया, अगर कार्य किया। मोदी जी ने कहा कि आगे के जो 5 साल होंगे मेरे, वो स्वच्छ पेयजल के लिए होंगे। आज देश की जनता को स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता है। पीने का पानी आज जिन स्थानों पर नहीं पहुंच पा रहा है, जो दुर्गम स्थल है, जहां पर पाइपलाइन के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से या नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाना चाहिए, ये मोदी जी के अगले 5 वर्षों की प्राथमिकता होगी। और ये उन्होंने खरगोन की सभा में वादा किया है, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने स्वच्छता अभियान को एक मिशन बनाकर देश की जनता के सामने रखा, आज कोई भी बच्चा भी होता है तो कूड़ा फेंकने से पहले एक बार सोचता है कि मेरे को इसको कूड़ेदान में डालना है। ये प्रेरणा एक मोदी जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल काल में देश की जनता में जगाई है। और निश्चित तौर पर, निश्चित कह रहा हूं मैं, आप ये लिख के रख लो कि 5 साल जो मोदी जी को मिलने वाले हैं, इसमें पेयजल की समस्या का हम समूल नाश कर देंगे, और हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा, हर खेत को पानी मिलेगा, इस प्रकार की हमारी व्यवस्था होगी। निश्चित तौर पर हम 5 साल ये करेंगे। नहीं, बात सुनिए, बिल्कुल सही बात आपने बोला, आने वाले 5 साल, पिछले 15 साल राज्य के अंदर आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 बार आकर राधा वल्लभ के अंदर बोल कर गए, हर सभा के अंदर बोल के मां नर्मदा के जल को लेकर आऊंगा। पिछले 15 सालों के अंदर मां नर्मदा के जल को खरगोन में क्यों नहीं लेकर आया? कंठस्थ खरगोन का सुनिए, बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए, नहीं पूरी बात सुनिए। 70 साल तक कांग्रेस क्या करती रही? वही बता, कांग्रेस ने 70 साल क्या किया? हर बात का मैं जवाब दूंगा, मेरी बात सुनिए। खरगोन उद्वहन सिंचाई परियोजना विषय से आपकी मैंने पूरी बात सुनी, केवल 5% काम बचा है। आप यही, आप खरगोन शहर में आप देख लीजिए, आप खरगोन शहर में पाइपलाइन दब रही है, आप बोल लीजिए, जो सड़कों की खुदाई हो रही है और उसके नीचे पाइपलाइन दब रही है, आप बोल लीजिए। ये शहर की जनता नहीं, पूरी जिले की जनता जानती है कि खरगोन शहर को शुद्ध पेयजल मिलने वाला है और नर्मदा का पानी मिलने वाला है। निसंदेह इसमें कुछ विलंब जरूर हुआ है, लेकिन ये जो काम आप देख रहे हैं 95% काम हो चुका है, और ये शिवराज सरकार की देन है। मेरा सवाल ये है कि 70 साल जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, उसको हमारी सरकारों ने मैं आपसे एक छोटा सा एक अनुरोध करना काम नहीं, जो जनता देख रही है उसकी बात करें। आप बताए मुझे यासिर जी, क्या खरगोन में पेयजल की पाइपलाइन नहीं चल रही है? बिल्कुल, पाइपलाइन का काम नहीं चल रहा है। बात कर, नर्मदा की जो उद्वहन सिंचाई परियोजना उसका काम नहीं चल रहा है, क्या किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है? दोनों सिंचाई के माध्यम से खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। आज निसंदेह आप पानी चला जाता है, दोनों सरकारें गई, लेकिन कांग्रेस या भाजपा हो, कभी खरगोन को नर्मदा का पानी नहीं मिल पाया। पिछली बात करें सरकार की, जो भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए नर्मदा पेयजल योजना को लेकर। अब कांग्रेस की सरकार बैठी है,
तो वह मौन क्यों है? एक बड़ा सवाल खड़ा होता, क्या बिल्कुल देखिए कांग्रेस कांग्रेस की कमलनाथ सरकार चार साल न किसानों का ऋण माफी कर पाई, आप उस पर सवाल बेरोजगार युवाओं पिछले 15 साल के अंदर आपने क्या किया? आपने पिछले 15 साल के अंदर क्या किया बताइए? देखिए आप युवाओं की बात करते हैं, आप युवाओं से पकौड़े डलवाने, आप युवाओं से पंचर डलवाने, सरकार की 6000 करोड़ योजना देकर परियोजना चल रही है निकालने के लिए, और आप देख लीजिए ये क्षेत्र पंजाब को पीछे छोड़ रहा है, ये कोई ऐसे ही नहीं मिल गया। आपने सिर्फ झूठ बोला है, सरकार ने शिवराज की सरकार ने काम किए, ये अवार्ड कांग्रेस की सरकार को क्यों नहीं मिले? कृषि कर्मण अवार्ड कांग्रेस की किसी सरकार को क्यों नहीं मिला? खड़ी करके आपको अवार्ड दिलवा देते हैं शिवराज सिंह जी, मोदी जी को संस्था ने अवार्ड दिया, मनमोहन सिंह की सरकार क्या देख रही थी? मनमोहन सिंह की सरकार ने दिए हैं, और मनमोहन सिंह की सरकार ने कई मेहमानों पे खड़े उतरने के बाद दिए हैं भाजपा की सरकार को, आज भी खरगोन को नहीं मिल पाया है, सरकारें बदली है लेकिन आज भी नर्मदा का जल खरगोन को नहीं मिल पाया। नीरज जी कैसे देखते हैं इसे आप? आज भी लोगों की इच्छा है कि उन्हें नर्मदा का पानी मिले, सही नहरों में पानी आने की बात तो कही जा रही है, सपने दिखाए जा रहे हैं। फरीद जी आपने बिल्कुल सही कहा, खरगोन की निमाड़ की जनता बहुत दिनों से नर्मदा का इंतजार कर रही है। हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो आज के 15 साल पहले की जब कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करें, जबकि कंटिन्यूअस उनके 10 साल उनको भी मिले थे, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी पूरी सरकार सड़क और बिजली में उलझ के रह गई, पब्लिक बहुत परेशान रही सबने देखा। उसके बाद भाजपा को पूरे 15 साल मिले, 15 साल में काफ़ी कुछ स्थितियाँ सुधरी, ये बात बिल्कुल सही है, मतलब मानते हैं हम लोग कि सड़कों की स्थिति सुधर गई, बिजली की स्थिति सुधर गई, लेकिन निमाड़ 15 साल में फिर भी प्यासा रहा। खरगोन शहर 40 किलोमीटर दूर यहाँ से नर्मदा होने के बाद आज भी प्यासा रहा। भाजपा चाहती अच्छी प्लानिंग के साथ में, ये यहाँ के लीडर्स चाहते, निमाड़ के लीडर्स चाहते, तो ये पानी खरगोन का 15 साल बहुत होते हैं फरीद जी, किसी भी पार्टी को काम करने के लिए 15 साल बहुत होते हैं, वो भी 40 किलोमीटर पाइपलाइन के लिए तो बहुत ही समय होता है। लेकिन इसमें बिल्कुल मैं मतलब ये खुले रूप से कहना चाहूंगा मन से कि भाजपा की या तो इच्छा शक्ति नहीं रही या भाजपा के कोई ऐसे लीडर्स यहाँ नहीं रहे निमाड़ में जो अपनी पूरी काबिलियत के साथ में निमाड़ के मतलब नर्मदा जी को खरगोन तक ले आते। क्या कहना चाहेंगे? बात कहना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं कि पाइपलाइन बिछा दिए, पाइपलाइन 1.5 लाख का शहर है, जनसंख्या 1.5 लाख की है, और उसके अंदर पाइपलाइन आपने 6 इंच की बिछाई है, आप जो है सीवरेज लाइन डाल रहे हैं 6 इंच की पाइपलाइन डाल रहे हैं, आप कैसे उसको करेंगे? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, एक बार गड्ढा खुदता है पाइप डलता है, फिर दूसरी बार गड्ढा बंद होता है, फिर गड्ढा खुदता है फिर पाइप होता है, फिर ठेकेदार को जो है कि टेंडर दिया जाता है रोड बनाने के लिए, फिर ठेकेदार रोड बनाता है, भाजपा ही उससे कमीशन खाते हैं, उसके बाद फिर गड्ढा खोदा जाता है, फिर पाइप डाला जाता है, फिर रोड बनाए, ये खेल चल रहा है। 40 किलोमीटर दूर है, मां नर्मदा का जल आज तक क्यों नहीं आया? रही बात आप बोल रहे हैं कि जल की व्यवस्था 15 साल बहुत होते हैं, मैं नीरज जी की बात से बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आप बताइए क्या खरगोन के अंदर एक दिन छोड़कर पानी नहीं आता है क्या? अगर ये सब बुनियादी सुविधाएं अगर आज सरकार को मिल जाती तो प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार को जो है पब्लिक जो है जनता जो प्रदेश की लात मारकर भगाती नहीं। रही बात, मैं पूरी बात जैसे आपसे निवेदन करूंगा, मेरी पूरी बात हो जाती है, आपकी बात मैं पूरी सुनी, अब आप मेरी पूरी बात सुनी। आपने सवाल किया कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सवाल किया है कि कांग्रेस ने 70 साल में किया, तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि क्या 70 साल के अंदर देश के अंदर एक भी बांध बीजेपी ने बनाया, भाजपा के शासनकाल के अंदर बना, सारे बड़े बांध छोटे बांध सब कांग्रेस ने बनाए 70 साल के अंदर। कांग्रेस ने IIM जितने भी हैं सारे इंस्टीट्यूशन सारे कांग्रेस ने बनाए, जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस जो है कि कांग्रेस के राज में बने, हॉस्पिटल सारे कांग्रेस के राज में बने। 70 साल के अंदर हमने जो नहीं किया वो हम आपको गिना देते। 70 साल के अंदर हमने कभी 200 रुपये किलो तुअर की दाल को नहीं होने दिया। 70 साल के अंदर हमने कभी 1050 रुपये की गैस की टंकी को नहीं होने दिया। 70 साल के अंदर हमने कभी 85 रुपये लीटर पेट्रोल को नहीं होने दिया। 70 साल के अंदर हमने कभी भी रुपये को डॉलर के मुकाबले इतना गिरा हुआ कभी नहीं होने दिया। आप कैसी बात करें 70 साल के अंदर कहानी किया है? आप गिना दिए आपने 5 साल में क्या किया? आप हर बार ये बात बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में हम ये करेंगे। अरे हम आने वाले 5 साल की बात ही नहीं कर रहे, जनता जनार्दन ने आपको जो 5 साल दिए थे उसमें आपने क्या, आप उसका हिसाब दीजिए। आपने बेरोजगारी चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेती है कि चलो जनता
देश के अंदर बेरोजगारी थी। देखिए आपने बात सुनी मेरी पूरी बात सुनी, मेरी पूरी बात सुनी, मैंने आपकी बात पूरी नहीं देखी। ये जो चुनाव हुआ मोदी जी का, ये 70 साल बनाम 5 साल का चुनाव है, 70 साल बनाम 5 साल का चुनाव नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्या 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था क्या देश की स्थिति आई थी? मोदी जी आ रहे हैं, क्या देश की स्थिति आई थी? क्या आएगा तो मोदी देश आजाद हुआ था, यदि कांग्रेस ने कुछ किया होता, देश की स्थिति क्या? केवल आंकड़ेबाजी नहीं है, आंकड़ेबाजी कांग्रेस ने यदि किया होता तो क्यों देश की जनता ने 44 सीट पर जय हाथ मार के रखी? पिछले चुनाव में 44 सीट पर कांग्रेस आ गई, क्यों जनता ने आपको 70 साल देश की सत्ता से दूर रखा? क्यों आज आपको दूर रखा? आज भी कांग्रेस इस स्थिति में है कि जैसे तैसे करके हमारी 55-60 सीटें आ जाए और हमारा नेता प्रतिपक्ष बन जाए। बार का नारा देने वाला कांग्रेस सीटों पर चुनाव को लड़ लो, जनता ने उसकी औकात दिखाई है। चुनाव लड़ने में 70 साल का चुनाव में 200 का हड्डा बना के रखा, 70 साल तक लुटते रहे कांग्रेस, घोटाले किए योजनाओं के नाम पर, घोटाले किए ऐसे लेकर पिछले 5 साल में आपने क्या किया? आपने जवाब दीजिए, पाताल तक की योजनाएं अगर कांग्रेस ने गलत किया तो जनता ने उसको कार्यकाल है, उससे देश को उम्मीद जगी है कि ये 5 साल में जब मोदी इतना कुछ कर सकता है तो इसको आगे और मौका मिलेगा। आप तो गिनाइए क्या किया तो कांग्रेस को आज कांग्रेस इतनी सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ पाई कि वो बहुमत हासिल कर सके। कांग्रेस की अब दिन बीत गए, कांग्रेस अब अतीत होने जा रहा है और ये चुनाव मुझे लगता है कि कांग्रेस का आखिरी चुनाव था। इसके बाद कांग्रेस का आखिरी चुनाव नहीं होगा, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमें यही अंदेशा है कि मोदी जी अब लोकतंत्र के अंदर चुनाव नहीं होने देंगे। प्रकाश जी से एक सवाल करना चाहूंगा मैं कि मोदी जी ने मंच से एक जो बात कही थी कि 5 साल आपको मैं सौंपूंगा और आपके 5 सेकंड जो होंगे वो अगर कांग्रेस जो कमल के निशान पर अगर आप वोट देते हैं तो, एक बड़ा ही मार्मिक और संवेदनशील मुद्दे वाली बात भी उसमें राष्ट्रवाद से जोड़कर की थी, कैसे देखते हैं? अगर आप एक बटन दबाने जा रहे हैं, मतलब आप आतंकवाद के खिलाफ एक ट्रिगर दबाने जा रहे हैं, इस तरह की भावनाएं भी लोगों में नजर आई, वहां पे दिखाया गया लोगों को। राहुल गांधी खरगोन की सभा में एक बात बोलकर गए थे कि मोदी जी 22 घंटे काम करते हैं, निश्चित रूप से वो 22 घंटे काम करते हैं और ये बात देश की जनता को भी समझ में आ चुकी है। मोदी जी ने एक आह्वान किया खरगोन में आकर के कि आप 5 सेकंड, राहुल जी ने ये नहीं बोला था, मोदी जी 22 घंटे काम करते हैं, राहुल जी ने ये कहा था, मैं आपको वीडियो दिखा दूं, मोदी जी ऐसा कहते हैं, मोदी जी ऐसा कहते हैं, उन्होंने मोदी जी के शब्दों का उच्चारण किया था, राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि 22 घंटे काम, राहुल जी ने ये कहा कि मोदी जी ऐसा करते हैं, खुद स्वीकार है कि 22 घंटे काम करते हैं, स्वीकार नहीं है, जो व्यक्ति ऐसे स्वीकार कर लेंगे, जो व्यक्ति देश की रक्षा के लिए, देश के 66,000 करोड़ रुपए 22 घंटे देता है, दुनिया के अंदर घूमने में खर्च करता है, 5 साल अपने काम कैसे करेगा? अर्पण करके भारत माता की सेवा के लिए, भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए काम करेगा, ऐसा विश्वास देश की जनता को है। और भाजपा गई, देखिए ये कांग्रेस का, भाजपा गई, देखिए आपकी खेल टूट चुकी है, आपकी 23 तारीख का चुनाव परिणाम बताएगा, 23 तारीख का देखना, 23 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान से जिस तरह 36 घंटे का समय बचा है उसी तरह जनता 23 तारीख की प्रांत जब कमल खिलेगा और सारे चैनल सारी जनता सड़कों पर उत्साह के साथ उतरेगी, तब आप कहिएगा कि भाजपा गई कि कांग्रेस गई। 4 महीने पहले भी आपने यही कहा था, कांग्रेस का 4 महीने पहले आपने कहा था, जिस प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने बयानबाजी की है और कांग्रेस के ताबूत में अंतिम किल ठोकने का काम किया है, कांग्रेस के ताबूत में किल ठोकी जा चुकी है, 23 तारीख को केवल उस पर मोहर लगना बाकी है। उसमें जिस तरह से मंच पर नजर आया जो वहाँ के आपके स्थानीय विधायक मंत्रियों को लेकर हम बात कर रहे थे, उन्हें एक एक कर जो जो एक क्लास ली गई, उसके बाद में जो पूरा मार्केट में एक वो इश्यू बन गया कि किस तरह से एक नेता ने अपने मंत्रियों को जो है वापस सरकार में आने की हिदायत दी, इसे कैसे देखते हैं आप? और भाजपा ने उस पर कुछ कमेंट्स भी किए थे। देखिए राहुल जी जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए थे, वो यहाँ सभी के लिए आते, स्थानीय सभी नेताओं से मुलाकात करिए, कांग्रेस की गुटबाजी को दूर करने के लिए आए थे, मुझे बात कर लेने दीजिए, कांग्रेस में जो गुटबाजी थी आप तो इन्हें बात कर लेने दीजिए, कांग्रेस के सुखलाल परमार को सेनवा निवासी और बड़वानी के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि ये पैराशूट से प्रत्याशी को उतारा गया है, उस प्रत्याशी के समर्थन में इसलिए आए थे कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है और एक जाजम पर बिठा करके और यहाँ के जो 3-3 मंत्री है उनको एक निर्देश दिया, फरमान जारी किया कि कैसे भी करके इज्जत बचाओ,
क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की नैया डूबने वाली है, इसलिए राहुल गांधी यहाँ आए थे। राहुल गांधी 6 महीने पहले आए थे, एक झूठ बोलकर गए थे, जिसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। आप उन्हें पहले बोल लें दीजिए पूरा, इन्होंने देश के अंदर यही किया है, लोकतंत्र की हत्या की, जहाँ जिसने आवाज उठाई है उसकी आवाज को दबा दिया गया। की हत्या तो इंदिरा गांधी ने की थी जब आपातकाल लगा दिया था, इसीलिए आपातकाल एक उदाहरण है। ये देखिए, ये अहंकार चरित्र है, देश देश के अंदर अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता है, कोई काला दिन गिना जाता है, तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल इस बात के ऊपर मजबूर किया गया है। जो आपातकाल के दिन रोहित वेमुला उसकी जीती जागती सब आपातकाल के खिलाफ जो भी आवाज के दिन याद करो, जब 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और प्रजातंत्र का लोकतंत्र का गला घोटा था, तब ये कांग्रेस कहां गई थी। आज लोकतंत्र की बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम दोनों प्रवक्ता से माफी चाहेंगे कि भी एक हम मुद्दे की बात करें। हम देश में जो चुनाव हुए हैं, नई सरकार चुनने बिल्कुल परीक्षित जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से पूर्णता सहमत हूं। आप मुद्दों पे बात करिए, बिल्कुल सही बात करिए जी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर आकर हम बात करेंगे वास्तव में हम जो कहने जा रहे हैं, जो नई सरकार बनने जा रही है, वो किन मुद्दों पर सरकार बनने जा रही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर आपका स्वागत है। आज जो एक मुद्दा लेकर हम सामने आए हैं, 2014 की लहर कम हुई या ज़्यादा, हम बात करेंगे वापस प्रकाश जी से कि अब हम देखें तो अभी मोदी जी खरगोन आए, उसके बाद जो सीधा से एक इम्पैक्ट आया, भाजपा में एक जोश आया, उसके बाद एग्जिट पोल भी आने लगे, लेकिन आप देखें तो सीधा सा ईवीएम पे सवाल खड़ा होने लगा है, इसे कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये कांग्रेस का एक टोटका है, जब वो हारते हैं तो उसका ठिकरा किसी पर फोड़ दो ताकि 5 साल तक उसका रोना रोते रहें। जब जब चुनाव में कांग्रेस हारी है, कभी ईवीएम पर, तो इस बार भी ईवीएम उनके निशाने पर है, क्योंकि एग्जिट पोल ने बता दिया कि भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। अपनी विफलता को का आत्ममंथन करने की बजाय चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना, ये बड़े ही शर्म की बात है। देश की जनता ने बड़े मनोयोग से अपना वोट दिया है, ये मतदाता का भी अपमान है, क्योंकि मतदाता जिसने वोट दिया है उसको आप गलत ठहरा नहीं सकते हो। आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके माध्यम से आप अभी तक साबित कर पाए कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है, ईवीएम हैक होती है। निर्वाचन आयोग ने बुला करके राजनीतिक दलों को बुलाया और कहा कि आप साबित कर दो, इनाम तक रखा है, लेकिन कोई कांग्रेसी, कोई आपिया, कोई समाजवादी वाला, कोई भी नेता विपक्ष का अभी तक ये साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है। लेकिन जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए, जनता को अपना जो मुंह दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए, तो अब ईवीएम का रोना शुरू हो गया है, जबकि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के ही बड़े नेता रहे प्रणब मुखर्जी, जो राष्ट्रपति रहे और भारत रत्न है, उन्होंने आज निर्वाचन आयोग को क्लीन चिट दी और कहा कि निर्वाचन आयोग ने अपना कार्य बड़ी सफलता के साथ पूर्ण किया है। तो मैं कांग्रेसी बंधुओं से ये सवाल करता हूँ कि क्या आपको प्रणब मुखर्जी पर भरोसा है या नहीं है? यदि नहीं है तो आप साबित करके बताइए कि किस प्रकार से इनको हैक किया जाता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल फरीद जी, इन्होंने बात कही, प्रणव दा ने जो बात कही कि चुनाव आयोग ने आया, तो हम बिल्कुल उस बात के ऊपर कायम है, चुनाव आयोग ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन ईवीएम की हेरा फेरी चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, ईवीएम की हेरा फेरी जो कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केंद्र शासित, आप मुझे एक बात बताइए, चले सीधी सी बात, चुनाव आयोग किसके अधीन काम करता है? केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, किसके अधीन काम करता है? आपके जहां पर प्रदेश के अंदर सरकार है, ईवीएम की मशीनें वहां क्यों पकड़ाई जा रही है? और अगर कांग्रेस ने करा तो आप एक्शन दीजिए, आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? आपके अधिकारी बेटे केंद्र शासित जो ये जहां जहां पर भाजपा शासित राज्य है वहां वहां पर ईवीएम क्यों पकड़ा रही है? रही बात अगर आप बात करेंगे कि भैया कांग्रेस ने करा तो कांग्रेस क्यों करेगी? क्या कांग्रेस के राज्य है? भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये तो ईवीएम को, ये तो एग्जिट पोल वगैरह ये सब प्रोपोगंडा है कि पहले लोगों का माइंड सेट कर दिया जाए कि बीजेपी को 300 मिल रहा है, उसके बाद में ईवीएम को सेट करके दिखा दिया जाए कि देखो 300 मिल रहा है, तो ये 300 मिल गए। इस मुद्दे पर मैं नीरज जी से राय जानना चाहूंगा कि अक्सर देखने में आया है कि जब कभी भी कोई सरकार हारने जाती है तो सीधा ईवीएम पर सवाल खड़ा था। बात करें हम अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव की, जब कांग्रेस जीत कर आई तब ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं हुए, लेकिन अब हालात बदल गए, अब ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे, कैसे देखते हैं आप इसे?
मैं इस मामले में बिल्कुल प्रकाश जी की बात से सहमत रहूंगा कि जब जब भी कोई भी पार्टी हो, जब वो हारती है तो सचमुच, यदि आप सचमुच एक बड़ी पार्टी है, आपका बहुत बड़ा हृदय है, आपका बड़ा दिल है, आप बहुत डेप्थ में सोचते हैं, तो आपको यदि आपकी विफलता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, यदि आपकी सफलता है तो उसको खुल के पब्लिक को बताना चाहिए। तो कभी भी, अभी आजकल का वैसे भी इतना डिजिटल युग आ गया है, उसमें ईवीएम को हैक करना ये इतना अब उतना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी सारी ओपन कामकाज होने लगा है कि कोई भी यदि छोटी मोटी हैकिंग भी होती है तो अभी तक तो पकड़ी जा चुकी होती है। मैं तो इस मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को नकारता हूँ कि ईवीएम कहीं हैक हुई होगी या ये होगी, ये सीधी सीधी अपनी असफलताओं को दबाने का एक बस एक तरीका है, या एक वही वाली बात कि अपने असफलता किसी और के मत्थे मारने के अलावा और कुछ भी नहीं लगता। यासर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नीरज जी को मैं, मेरे आदरणीय को एक बात बोलना चाहूंगा। आप बोले विफलता, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, अभी तो जो है चुनाव के नतीजे नहीं है, आपने कैसे बोल दिया कि विफलता है? नहीं, इसके पहले भी जब जब हुआ है कैसे बोल दिया विफलता है? तब तक हुआ है, जब हुआ है तब तक। दूसरी बात है, आपने जैसे कहा कि ईवीएम खराब होने की बातें होती है, नहीं देखिए ईवीएम खराब, ईवीएम को हैक किया जाता है, ईवीएम बदली जाती है, आखिर फिर आखिर ट्रकें क्यों पकड़ाई जा रही है, पूरी की पूरी गाड़ियां क्यों पकड़ाई जा रही है? आपने जैसे आदरणीय ने बात कही कि अभी तक किसी ने साबित नहीं किया, आज तक अरविंद केजरीवाल ने 15 मिनट के अंदर विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर पूरा की पूरा उसको हैकर बुलाकर हैक करके बता दिया था। कहां गई बीजेपी उस वक्त, क्यों नहीं जवाब दिया आपने? और अगर अगर यहां पे एक बड़ा सवाल खड़ा रहा है उनके ऊपर, हालांकि बात करें तो अभी इन्होंने ऐसे एक व्यक्ति का उदाहरण दिया अरविंद केजरीवाल, जिसको देश की जनता एक नौटंकी बात से ज्यादा कुछ मानती नहीं है, और उन्हीं की विधानसभा, उन्हीं के लोग और उन्हीं के बीच में उन्हीं के इंजीनियरों द्वारा प्रस्तुतिकरण, ये एक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चे को खिलौना दे दिया गया, उसने खिलौने में तोड़फोड़ कर ली और ला करके प्रस्तुत कर दिया। और जब इनको निर्वाचन आयोग से आता है, निर्वाचन आयोग के सामने क्यों नहीं जाते? निर्वाचन आयोग के सामने क्यों नहीं साबित करते? तब इनका ज्ञान विज्ञान कहाँ चले जाता है? तब इनकी इंजीनियरिंग कहाँ चले जाती है? क्योंकि ये केवल एक ठिकरा फोड़ने वाली बात है। ईवीएम का रोना तो ये रोते रहेंगे, क्योंकि पहले जब बैलेट पर होता था तब ये बूथ कैप्चरिंग करते थे, और बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू के समय से इतिहास रहा है, और ऐसे कई इतिहास रहे हैं जब ये बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से सत्ता में आ जाते थे। जब से चुनाव आयोग ने पारदर्शिता अपनाई है, जब से टीएन सेशन ने चुनाव आयोग के कानून को लागू किया है, तब से कांग्रेस निरंतर गिरती जा रही है, और इसकी गिरावट का दौर जारी तब तक रहेगा जब तक इनकी कांग्रेस के ताबूत में आखिरी खिल नहीं ठुक जाती है। और ये चुनाव निश्चित तौर पर ये परिणाम देने वाला है। यासिर जी कुछ कहेंगे? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया था आपने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की थी? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, आपने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आप देश की जनता को बरगलाया था, उन्होंने गलत जानकारी दी थी, उन्होंने अपने इंजीनियर बुला के, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने कार्रवाई इसलिए नहीं की कि आपके नीचे भी अंधेरा है, आपके पीछे भी अंधेरा है, आपकी पोल खुल जाती। देखिए निर्वाचन आयोग ने इनको बुलाया था, सुनिए, नहीं बुलाया, पर क्यों नहीं, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, इनका साइंस नहीं बुलाया था। आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि वीवीएट पैड लेकर आना पड़ा आपको? अगर आपकी सरकार आपकी सही कार्य क्यों लेकर आया? यदि कांग्रेस हार रही है तो ईवीएम जिम्मेदार है ना? जब प्रदेश में तीन राज्यों के चुनाव हुए, कांग्रेस ने ईवीएम पर दोषारोपण क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव के समय कांग्रेस कहां गई थी? बिल्कुल उस वक्त इसी विधानसभा के अंदर, इसी विधानसभा के अंदर हार रहे हैं, इसी विधानसभा के अंदर सारे ईवीएम मशीन से भरी हुई गाड़ी लेकर आई थी, हार रहे हैं, और कम से कम 12 दिन तक जो है कि वहां पर रुक बैठना पड़ा था। हार इनसे पच नहीं रही है, और आखिर में बेगुनाह जो ईवीएम है बेचारी पर दोषारोपण होने वाला है। चलिए की गई, यानी कि वो परिणाम आने के बाद देखेंगे कौन जीता। अगर कांग्रेस जीतेगी तो हो सकता है कि ईवीएम पे सवाल उठाना बंद कर दे। अब हम बात करेंगे कि अगर भाजपा सरकार आती है तो वो क्या जनता के लिए मुद्दे लेके आएगी, और अभी तक जो किया उसका क्या संकल्प पत्र में आपने क्या बताया? देखिए संकल्प पत्र में हमने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है। हमारे संकल्प पत्र के पहले पन्ने पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। हम सेनाओं को सुसज्जित करने जाने वाले हैं, हम सेनाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी करने वाले हैं, ऐसा हर कदम उठाने जा रहे हैं जिससे राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, तो ये हमारी प्राथमिकताओं में से है। इसके बाद हमने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए हमने प्रावधान किया है, और हम निश्चित तौर पर उसको लागू करेंगे। जनता को भी विश्वास है कि भाजपा जो घोषणा पत्र में लेकर आती है उसको अपना घोषणा पत्र पर अमल करती है। समय जरूर लगता है, हमने 5 साल में जो काम किए हैं और कुछ जो शेष रह गए हैं
उनको हम अगले 5 साल में पूर्ण करने जा रहे हैं। यासिर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले 70 साल के कार्यकाल पर सवाल उठते हैं, कांग्रेस के शासन पर सवाल उठते हैं, 5 साल अभी देखें, 5 सेकंड 5 साल बनाम को लेकर मोदी जी ने आह्वान भी किया है। अब हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस क्या करने जाएगी अगर सरकार बनती है तो? देखिए, हम सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रोपोगंडा, झूठा प्रोपोगंडा फैलाया जाता है, हम उसकी बात करें। आपने, इन्होंने अभी बात करी कि हम राष्ट्रवाद के ऊपर काम करेंगे, है ना, हम सीमाओं को, चौकसी को बढ़ाएंगे। जब आप बढ़ाएंगे कुछ छोड़िए, जब आपकी सरकार थी उस वक्त पुलवामा का हमला हुआ, इतनी भारी मात्रा के अंदर RDX कैसे आ गया, 44 जवान शहीद कैसे हो गए? आप बोल रहे हैं हम देश के सैनिक को जो है सुरक्षा मुहैया कराएंगे, क्या फिर ऐसे कारण थे कि देश का सैनिक नरेंद्र मोदी जी के सामने आकर चुनाव लड़ लिया, 10,000 देश के सैनिक जो है उसके समर्थन में आकर खड़े हो गए? आप बोल रहे हैं किसानों की बात करते हैं, हम किसानों को जो है कि उनका फायदा देंगे, क्या ऐसे कारण बने कि जो है आपकी सरकार के अंदर, मंदसौर के अंदर किसानों को गोलियां चलाई गई? आपने बोला हम युवाओं को रोजगार देंगे, क्या 2 करोड़ रोजगार आपने दे दिए? आप तो युवाओं से पकौड़े तलवा रहे हैं, आप युवाओं से पंचर बनवा रहे हैं, ये झूठ छोड़िए। हम जब हमारी सरकार आएगी और माननीय राहुल गांधी जी उसके प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, तो हम युवाओं के रोजगार के लिए एक, हमारे पास पूरा खाका तैयार है, उसके ऊपर काम करेंगे, महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे, देश के अंदर केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं और उसके अलावा भी जितने भी प्रदेश हैं जिनसे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो नौकरियां निकलती, वैकेंसियां निकलती, उनको पूरा करेंगे, पुलिस विभाग के अंदर जितनी वैकेंसियां उनको पूरा करेंगे, जिससे महिला सुरक्षा बढ़ेगी और जिस तरह की घटनाएं होती है घटनाएं नहीं होगी। रही बात किसानों के लिए हम एक अलग से बजट लाएंगे, किसानों के लिए हम एक अलग से उसकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे, हमारे घोषणा पत्र के अंदर है। रही बात युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए हमने जो है एक अलग खाका बनाकर रखा है, जो 25 लाख 2 करोड़ रोजगार का हम जो झूठा वादा नहीं करेंगे, लोक लुभावने सपने नहीं दिखाएंगे, 25 लाख वैकेंसियां जो अभी खाली है केंद्र के आदेश के ऊपर, जो ऐसे करके भरा सकती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 5 साल के अंदर नहीं भरी। हम सबसे पहले, हमारी प्राथमिकता रहेगी हम युवाओं को रोजगार देंगे, वो लेकर आएंगे। न्याय योजना है हमारा, रोटी कपड़ा मकान, ये हर देश के नागरिक को हक है और उसको मिलना चाहिए। हम इसके तहत जो है न्याय योजना के तहत 72,000 रुपये हर परिवार के अंदर जो है घर की मुखिया महिला के अकाउंट के अंदर बिल्कुल बराबर डालेंगे। और एक और बात, 15 लाख रुपये जैसे हम टोपी नहीं पहनाएंगे। नीरज जी, मैं आपसे पूरे मुद्दे की बात को लेकर हम बात कर रहे हैं, कंक्लूजन करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि लहर वाली बात थी 2014 में मोदी के लहर को लेकर बात थी कि कम हुई या ज़्यादा, लेकिन हम देखें तो दोनों पार्टियाँ अपने अपने मुद्दे लेकर सामने आ रही है, दोनों पार्टी अपने संकल्प पत्र सामने लेकर आ रही है, लेकिन आम मतदाता क्या चाहता है या उसके मन पर, उसके मनोमस्तिष्क पर हम बात करें तो मोदी की लहर आज भी कायम है या नहीं है? फरीद जी, शुरुआत में मैं ये बात बोल चुका हूँ कि जब ये लोकसभा चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तब बिल्कुल भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मोदी लहर तो नहीं थी। हाँ, लेकिन जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते गए वैसे वैसे मोदी लहर का एक प्रभाव बढ़ता गया, और उसका सबसे जो जबरदस्त प्रभाव हमने मोदी लहर का देखा वो आखिरी वाले दौर में, 7वें चरण में हमने देखा। और मैंने पहले भी कहा था, फिर आपको बता दूं कि 7वें चरण में उस मोदी लहर से उत्साहित होकर ही शायद मोदी जी ने खरगोन की सभा में जो 300+ का पहली बार नारा दिया वो इसलिए दिया होगा। रही बात दोनों के संकल्प पत्रों की, लेकिन मैं जानता हूं कि दोनों के संकल्प पत्र अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन मैं तो उस बात पे विश्वास करता हूं कि जो पब्लिक के हाथ में पहुंच जाए। संकल्प बहुत होते हैं, वादे बहुत होते हैं, आज भी बहुत सारी जनता, जो कि एक मुझे बड़ी खुशी हुई हालांकि कि जब मोदी जी ने यह बात रखी थी कि मैं पेयजल के ऊपर काम करूंगा, होना भी चाहिए क्योंकि आज की महती जरूरत यदि है वो तो वो रोटी कपड़ा और मकान ही है। एक बड़ा वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, जो अपना पैसा कमा के अपनी तिजोरियां भर रहा है, ये कह लें कि वो कमा कमा के अपना स्टेटस आगे बढ़ा रहा है। एक बहुत निचला तबका है जो बहुत नीचे चले जा रहा है या वो उस चीज से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि आज किसी की फिक्र होना चाहिए तो मिडिल क्लास वर्ग की होना चाहिए, जिसके लिए मेरे ख्याल से आज भी योजनाएं बहुत अधूरी हैं। ये तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, जैसे हम देखते हैं कि बहुत बड़े उद्योगपतियों के लिए बहुत सारी योजनाएं, करोड़ों का लोन मिल जाता है उनको और वो देश छोड़ के भाग भी जाते हैं एक बार। दूसरी योजनाएं ऐसी भी है जो बहुत गरीब वर्ग के लिए है, जो उनको फायदा पहुंचा देती है। मिडिल क्लास वर्ग का आज भी अछूता है इन योजनाओं से, उसको खुश करने के लिए ये इनकम टैक्स का स्लैब तक नहीं बढ़ पाता। तो मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं बनना चाहिए, संकल्प पत्र अपनी जगह है, होना चाहिए, वादे होना चाहिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन वादों को जो पूरा करे वही इस देश की सही सरकार कहलाएगी, या ये कह लें कि वही आम जनता की सरकार कहलाएगी।
बड़ा सवाल खड़ा कर दिया यहाँ पे नीरज जी ने कि एक नया मुद्दा सामने आ गया। हालांकि हम कभी आने वाले समय में इस मुद्दे पे जरूर बात करेंगे कि मिडिल क्लास को क्यों नहीं कोई सरकार उसके लिए कोई योजना लेके आती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। गरीब वर्ग और उच्च वर्गों को काफ़ी फायदे मिल रहे हैं लेकिन मिडिल क्लास आज भी पीछा चला रहा है। मैं धन्यवाद जाहिर करना चाहूँगा दोनों का, कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता के दोनों का, और साथ ही नीरज जी आपका भी, जिन्होंने आप एक अच्छे मुद्दे पर आप लोगों ने अपनी राय दी। आने वाले समय में हम फिर एक नए मुद्दे को सामने लेकर आएंगे, जब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।